राम राम भाई, सारे भाइयों ने आज बात करांगे भाई थोड़ी हवाली संबंधित एक बार फिर से। तो आज कई भाई जो ग्रिप के बारे में बात करे था, ग्रिप 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 के बारे में पता होना थोड़ा, अंडर हैंड की अपर हैंड की किस तरीके था उसका है। तो भाई पहली बात तो हर एक आदमी की एक नेचुरल ग्रिप हो है जिसमें उसने कंफर्टेबल फील हो है। और कोई अगर अपना गेम सुधारना चाहो तो उस खातर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो उस ग्रिप को मेंटेन कर सके है, दूसरी तरीके से बनाओगा तो। इसमें दोस्तों जो सबसे पहले है ये चला है मीडियम वाली, इस तरीके से करा है एक उंगली इसको अलग से कर तीन नाम है। इस तरीके से करेंगे ना तो इसमें थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाए है, पर इसमें इतनी बड़ी ज़्यादा फोर्स नहीं बन पाती क्योंकि इसमें ज़्यादा खुला हो जाए हाथ, जितना खुला होगा उसमें एक्यूरेसी बढ़िया बनेगी परंतु फोर्स थोड़ी कम बनेगी। दूसरी वो है ये एक उंगली के साथ दूसरी उंगली डाल के और इस तरीके से, इसमें भी ये है भाई एक्यूरेसी भी बढ़िया हो जाए। कोई जिस तरीके से लगाओ है, चाहे लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, दोनों तरीके से लग सकती है। इसमें भी एक्यूरेसी भी बढ़िया हो है, थोड़ी स्पीड भी उससे पहली वाली से बढ़ जाती है। और तीसरी तरीके की जो ग्रिप हो ना वो है बिल्कुल सारी उंगली डाल के ऐसे और बिल्कुल बंद मुट्ठी बंद, ये हो स्पेशली फोर्स के लिए। इसमें फोर्स बिल्कुल बढ़िया बनेगी परंतु एक्यूरेसी इसमें थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बात आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप कौन सी चीज़ चाहो, आपने एक्यूरेसी चाहिए है या फिर आपको फोर्स चाहिए है। और एक गेम के अलग तरफ अलग अलग तरीका होता है, कोई मीडियम खेलता है उसको उसके हिसाब से फर्श खेल सकता है, कोई कच्ची खेलता है तो उसके हिसाब से कर सकता है। अब और जैसे अब अंडरहैंड ये बात आती है उसमें भी मोस्टली जो सबसे सेफ पैटर्न है वो ये है कि एक हाथ लिया और ये इस तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, अंडरहैंड दोनों तरफ से चल सकती है इसमें बढ़िया। इसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया अंडरहैंड हो जाएगी आपकी, कई जैसे बिल्कुल बंद भी कर लेते हैं पर उसमें एक्यूरेसी तो थोड़ी कम हो जाती है। एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें जितना खुला होगा हाथ और हथेलियों पर बॉली लगेगी तो ऑटोमेटिक एक्यूरेसी इसमें बढ़िया हो जाएगी। जैसे राइट हैंड के लिए इस तरीके से है, लेफ्ट हैंड के लिए अपना कोई इस तरीके से हाथ को दूसरी तरफ से कर सकता है। तो बाकी ग्रिप दोनों अंडर हैंड भी कई बार कई इस तरीके से लेते हैं, जो शुरू स्मैशिंग खेल लेते हैं वो यहाँ से भी ले लेते हैं इस हिस्से से, तो उसमें थोड़ा जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है इसमें, परंतु इसमें जो दूरी है वो कम हो जाती है वाली जाने की। तो ये दोनों तरीके की ग्रिप्स हैं, जो आपको जो सी भी पसंद आए आप यूज़ कीजिए अपना, जिसको गेम सुधारना है क्योंकि काफ़ी भाइयों की ये रिक्वेस्ट रहती थी कि भाई ग्रिप के बारे में थोड़ा पता चल जाए। तो ये इस तरीके से है, प्योर शूटिंग या मीडियम के लिए ये, कच्ची के लिए ये या फिर ये, और अंडर हैंड इस तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा एक बार इसके बारे में कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।